गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ना ये रेसिपी है और ना ये व्लॉग है। तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं या तो व्लॉग्स बनाती हूँ या फिर रेसिपीज डालती हूँ। तो आज जो है मैं क्लीनर जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ उसको कैसे बनाती हूँ, मैं होममेड क्लीनर वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे लगा कि आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए क्योंकि जो मैं यूज़ करती हूँ इट इज़ वेरी इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है, घर पर बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर ही बनाया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक गिलास से थोड़ा कम पानी लिया है, नमक लिया है जो हम रेगुलरली घर पे यूज़ करते हैं, विम जेल या कोई भी डिश वॉशिंग जेल आप ले सकते हो, विनेगर लिया है कोई भी विनेगर आप ले सकते हो जो हम घर पे यूज़ करते हैं। तो आइए इसे बनाते हैं। 2 चम्मच नमक मैं इस पानी में ऐड करूँगी। नमक वैसे भी हमें घर में क्लीनिंग के लिए, फ्लोर क्लीनिंग या कहीं पर भी क्लीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वास्तु के हिसाब से माना जाता है कि बहुत शुद्ध होता है क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी घर पे फ्लो कराता है, घर के अंदर फ्लो कराता है। तो अब मैं डालूँगी इसके अंदर में विम जेल। तो ये लिक्विड जेल जो डिश वॉशिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ये कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। ये एक्चुअली मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत लाइट होता है, इसका कोई हार्श इफेक्ट नहीं होता है और वैसे भी हम इसे डायल्यूट कर ले रहे हैं। और अब मैं डालूँगी इसमें विनेगर। तो मैं यहाँ पर 4 से 5 चम्मच विनेगर डालूँगी। विनेगर जो है वो क्लीनिंग के लिए हम सभी जानते हैं कि कई जगहों पे यूज़ होता है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। कपड़ों में अगर कोई स्टेन हो जाए तो उसमें भी हम विनेगर डाल करके उसे क्लीन करते हैं। तो बस ये इसमें डाल दिया और मिक्स करने के बाद हमारा जो ये क्लीनिंग के लिए जो लिक्विड है वो बिल्कुल रेडी है। मैं इसे कॉलिन की एक पुरानी बॉटल है उसमें स्टोर करके रखूँगी और इसे हम बहुत दिनों तक इसे स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हम किचन की स्लैब साफ़ कर सकते हैं, किचन सिंक क्लीन कर सकते हैं, किचन बर्नर जो हमारा गैस स्टोव है उसे क्लीन कर सकते हैं, या फिर हम फ्रिज और माइक्रोवेव भी क्लीन कर सकते हैं, वुडन फर्नीचर क्लीन कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हम कॉलिन जैसी चीज़ें डाल करके जिसको यूज़ करते हैं वो हम इससे ईजिली घर पे, ये होममेड जो क्लीनर है इसको हम यूज़ करके इसको बहुत ही आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, इफ़ेक्टिव और सबसे बड़ी बात बजट फ्रेंडली लगता है। तो आप भी इसे ज़रूर यूज़ करें, इसे बनाएं घर पे, ट्राई करें और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिख करके बताएं कि ये आपको कैसा लगा, आपने यूज़ किया या नहीं, और अगर यूज़ किया तो कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मेरे मिलते हैं। टिल देन बाय बाय। और जाने के पहले वही बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और जो छोटा सा बेल आइकॉन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास झट से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बाय बाय।